have taken over the reins of the country again after 8th of February this year, and I am now determined, in terms of the example I've just given you, to put things in order, easier said than done. For example, our power sector is in shambles. I'm being very honest with you. Power theft in a massive fashion, and elitist culture, you know, doors out and hands out being given to those who don't deserve it. Our revenue sector in tatters. Of what we receive annually, we lose. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. किसी को कोई समझ आई हो तो प्लीज़ मुझे भी बता दीजिएगा. ये न वहाँ पे जो स्विट्ज़रलैंड में होती है ना इकोनॉमिक्स फोरम, वहाँ पे ये भौंका भांकी कर रहे थे. क्या नमूना यार ढूंढा. बूट पॉलिश वाले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कोई काम का तो शायद बासी को ही ले आते, शायद का कान बासी को. पढ़ा लिखा तो था ना, इकोनॉमिक्स तो जानता है ना. ये भी बस हर जेड़ा ईंट उखालोगे ना तो नीचे से नैला दैला और गद्दार निकलेंगे. आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ. ये उससे भी गया जो ये क्या था, SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट, SIF फाइनेंशियल टास्क या काउंसिल, उसमें इन्होंने कहा था. आर्मी चीफ उसमें खुद बैठ के सबको बैठ के तो करा रहा था, चेयरमैन की कुर्सी पे. तो ये नमूना ही था. 25 अरब आएगा, 1 रुपया नहीं जी आया. वो 25 अरब लाना था, वो सिर्फ इनको अपने नीचे करना था वगैरह वगैरह. तो ये नमूना भेजा तो इस तरह थोड़ा ही आते. आप देख रहे निगेबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान. तड़का तड़का आएंगे जी, कमेंट्स हमारे आएंगे, खबरें उनकी आगे जो है मतन हमारे दरमियान में से. नवाज शरीफ ने आज ज़िंदगी बेनज़ीर को आवारा बदचलन साबित करने में लगाई, और अब बाकी की ज़िंदगी मरियम को बेनज़ीर साबित करने पर लगा रहा है. कमाल है भाई, आया स्वाद के नहीं आया. अच्छा जी, ये भी आप सुन लें जी, आपको क्या बताएं तो क्या ना बताएं. नवा मोरा लॉन्च कर दिया गया, इधर नहीं तो फिर वो जो नई पार्टी बन रही है उसके अंदर तो वो जाएगा ही ना. तो इन्हें नए मोहरे की बात सुन लो. कुछ काम की बातें भी की है इसने, लेकिन ज्यादातर बस एमी जिसका नाम इस वक्त नजर नहीं आ रहा वोटर को कि भाई वो क्या स्ट्रेटजी, और वो स्ट्रेटजी जरूरी नहीं है कि आप जत्थे लेके चढ़ जाएं, ठीक है ना. 2500 स्ट्रेटजी हो सकती है, डिप्लोमेटिक हो सकती है, लीगल हो सकती है, पोलिटिकल हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है. नजर नहीं आ रहा इस वक्त, तो इसलिए अगर मेरी अपने पुराने दोस्तों को कोई मशवरा होगा वो ये होगा कि ना सिर्फ वो स्ट्रेटजी बने, ना सिर्फ उस पर अमल होता नजर आए, बल्कि अवाम को और उनके वोटर को समझाने की जरूरत है भाई हम कर क्या रहे हैं. इस वक्त जो है लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा शक है. वो कह रहे हैं जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर, ये तो कोई शक नहीं है ना, जितने भी असेंबली में बैठे इमरान खान के वोटर बैठे. इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर असेंबलियों में पहुंच गए, हुकूमतें बन गई, वजीर बन गए, स्टैंडिंग कमेटियों में चले गए, MLA MPA बन गए. आपकी बेहतरीन जिंदगी गुजर रही है, इमरान खान अडियाला बैठा हुआ उसके इस वक्त नजर. यही बात ये रखना डाला इसने वोटर के जहन में. यही बात हामिद रजा ने कही, ये दोनों कंपनी बहादुर के बंदे हैं, तो वो ये उसी तरह कह रहा. कल खुर्शीद खान ने चस करा देती है वो जो गिलगित बल्तिस्तान का सबका वजीर आला था, बाकियों को तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन प्लानिंग से चले हैं. उसमें रऊफ हसन भी आ गया था वगैरह वगैरह. अभी सदीक जान ने कहा कि उसको लिंक है ना मिलता है, उसने कहा जी ये होएगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके वो पूरी उसने डिटेल बताई किस किस तरह करना है. अच्छी अच्छी मूव है जो उसने बताई है, लेकिन ये कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा. इसको मरवत को खान ने काफ़ी ठीक ठाक जुमे वाले दिन झाड़ डाली, वो भी टकोर कर रहा है जो खान ने उसको झाड़ डाली थी. तो पता नहीं क्या होएगा, लेकिन कल अच्छी की है वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने. तो जो ऊपर से ऑर्डर आना था फैसल नसीर का वही करना था ना.
बाकी सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है जिसका इनको दुख है, शीजा फातिमा को और उसके हाँ जी इलीगल आर्मी चीफ साहब आप तो रिटायर हो गए थे, नवाज शरीफ को आपने पता काटा, बहुत ज्यादा की एक रिटायर बंदे को आर्मी चीफ बना दिया, नवाज शरीफ का हक बनता है, इसके दिल से किस तरह उसकी मोहब्बत निकालोगे ये जरा बता दीजिए कोई, शेजा फातिमा ही आके बता दे, तीसरा प्रोग्राम भी उसके ऊपर आने वाला है, तो इसके दिल से मोहब्बत किस तरह निकलेगी कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, जो आम के दिल में अगर इसने डील कर ली चल रही है बातचीत। बॉर्डर तेरे को थोड़ा छोटा नहीं लग रहा है? अरे बॉर्डर छोटे ही होते हैं, डिफरेंसेस बड़े होते हैं। लेकिन मेरे को तो कोई तार भी नहीं दिख रही है भाई। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सारी तारे चोरी हो गई होंगी, दोनों तरफ चोर भरे हुए इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की तारे दोनों तरफ चोर भरे हुए, स्ट्राइक लगना लग जानी, ये थे अरशद वारसी साहब। क्रिश्चियन औरत से शादी की हुई है तो उसको कहता कि नहीं मैंने मुसलमान बनाना, आप कंजर खानदान से है, कह रहे मैंने मुसलमान अपने बच्चों को रखना है, तू चर्च क्यों लेके जाती, ये पहले सोचना चाहिए था ना। अरशद वारसी मुन्ना भाई MBBS वाला, वो क्या उसको नाम था उसका, कटवा के पेंटर के क्या कहते था, आई विटनेस है मैं कमाल मीटिंग दा, तुसी यकीन करो 365 दिन चले सब आए, एक दिन मुहर्रम दे छुट्टी हुई सी, 24 घंटे चलदी सी शिफ्ट, मजदूर नहीं लभदा सी, और आखिरी तौर ते आखिरी टाइम ते मैनूं याद आ 2019 च मीटिंग हुई सी खान साहब आए सी 2.5 साल बाद फैसलाबाद, पैकेज लेके आए सी, उदो इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे सी खान साहब हमें फैसलाबाद में आप एक अदारा ऐसा बना के दे जिसमें स्किल्ड वर्कर हो, हम बाहर से लोग ला के उनको स्किल्ड करें और अपनी फैक्ट्रीज में डाल लाए, समझ लो गल सानू उत्थे घाटा पै गया सी वर्कर्स दा, आज की सूरत हाल है यान मार्केट देख लो, फैसलाबाद की एक्सपोर्टर एसोसिएशन देख लो, फैसलाबाद इंडस्ट्री देख लो, मजदूर देख लो, सारे घर च बह गए, सारे का घर बंद हो गया, पहिए बंद हो गया, जब जसवाल ये बिल्कुल 100% बात कर रहे हैं, उस वक्त स्किल वर्कर के मैंने आपको क्लिप भी शायद बनाया हो कि यार इसने ये अच्छा किया, स्किल वर्कर के कोई वहां पे होने चाहिए, जिस तरह जर्मन ने सहूलत दी हुई है, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बना के दिया था TTC, वहां पे उन्होंने जियाउलक को पता नहीं क्या किसी ने बत्ती ऊंची की, उसको वहां से जर्मन टेक्निकल इंस्टीट्यूट को उठाया, तो टाउनशिप में बड़ी जगह दे दी जी, बड़ी जगह दे दी, फिर वहां पे सदीक ट्रेड सेंटर बना दिया, ये साथ चलता ही है, ये जो शेखू है ना, शेखू शेखूपुरे वाले नहीं, शेखू दुबई वाले, दो हवाई अड्डे फराम किए हैं, एक ईरान और एक अफगानिस्तान को मॉनिटर करने के लिए अमरीकियों को, और अगर इन हवाई ये एयरबेसिस से इन ममालिक पे कोई अटैक्स होते हैं तो रिएक्शन खैबर पख्तूनख्वा पे आएगा या बलूचिस्तान पे आएगा, तो लिहाजा ये, और आज मैं कोशिश करूंगा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे नेशनल असेंबली में भी ये बात करूं कि या तो तर्दीद करें कि खबर झूठी है, और अगर खबर सच्ची है तो ये हमारे बिरादरी इस्लामिक ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात को खराब करेंगे, यही काम जियाउलक ने किया था जब अफगानिस्तान ये मामला खराब हुए थे तो उन्होंने एयरबेसिस दिए थे अपनी नाजायज हकूमत को जो है लेजिटिमेसी फराहम करने के लिए, यही काम जो है परवेज मुशर्रफ ने किया था जब उन्होंने नवाज शरीफ का तख्ता गोल किया तो उन्होंने एयरबेसिस फराहम किया ताकि उसको लेजिटिमेसी मिले, और अब ये शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है ये काम कर रही है ताकि इनकी जो नाजायज हुकूमत है उसको लेजिटिमेसी मिले, ये इसकी तारीख है। तो यहाँ आके क्यों जबान तेरी को लकवा पड़ गया था, आर्मी चीफ का नाम क्यों नहीं पुरानों के, तो ले रहा, तो ये भाई इस तरह होता है जिन्होंने किया होता है ना वो बस पाला हुआ होता तो फिर इसी तरह चलता, यहाँ पे शहबाज शरीफ के ऊपर डाल रहा उसकी क्या, कल अभी फजलुर्रहमान ने कहा उसको तो वैसे वैसे ही आपने लितर पोला करवा दिया, मेरे से जहाज डलवा दी, उस बेचारे के पास तो है ही कुछ नहीं, जिसमें कैप्टन सफदर भी बोला था, दिखाएंगे आपको भी क्लिप, 57 जो थे ना गिफ्ट खान साहब ने इलीगल तरीके से बेचे हैं जी, लीगल तरीका क्या, उसको दे दिया चाहे वो अंडा दे चाहे बच्चा दे, नोटिस था आज केस लगने वाला, मेरे का लग चुका होएगा नहीं तो लग जाएगा,
उसके ऊपर जीडी वो छह जजों में से एक इसके साथ है, फारूक के साथ, आमर फारूक के साथ, आमर फारूक के साथ। तो वो देखते हैं क्या उसका आता स्टे मिल जाएगा। कामरान खान एक था, उसने उसके ट्वीट आएगा मैं आपको दिखाऊंगा, एक किया तो उठा लिया, तो वो अली मीन गंडा पर बगले देख रहा, अब कोर कमांडर को कहे कि ना कहे वगैरह वगैरह। ये जो मरवत ने कहा इसके ऊपर मैं क्लिप ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो इलाका बेच रहे हैं ये वो था। अच्छा जी, मुफ्ता इस्माइल के आंसू भी देख लें, ये शुक्र करे खुशी से टपना चाहिए, इतना बड़ा हो गया, क्योंकि शायद बासी को क्लियर करना था, फिर उसका जो ज्वाइंट था उसको भी तो क्लियर साथ ही करना था ना, तो ये रो रो रहा कि मेरे घर ये हो गया तो वो हो गया। आज बड़े खुशी का दिन होना चाहिए, लोगों ने इतने लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी, लेकिन मेरे लिए ये एक बिटर दिन था, तो मुझे बहुत सारी मेमोरीज आ रही थी जब मेरे घर पे छापा गया, मेरी बीवी के So I remember this. I will take Imran Khan to court. और ये मैं आपको बताऊँ, सिंध में पहले ये इंक्वायरी हुई, ये भी वेरी एक्सोनरेटेड। बिल्कुल। SSGC is in Sindh. I was in Sindh. PSO was in Sindh. LNG terminal was in Sindh. Engro was based in Sindh. आपने इंक्वायरी करी, सही हो गया। उसके बाद आपने दूसरी इंक्वायरी शेख रशीद के कहने पे खोली है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में केस किया। अपने बाप का नाम ले रहा है इमरान खान, जिन्होंने बनाया उसका तो ले। एक बात, तेरी खुशकिस्मती है, बड़ा पक्का, बड़ा पक्का अंदर जाना है तुम, जब भी खुलेगा 272,000 कर रहे ना, एलएनजी वहीं पे था, टर्मिनल वहीं पे था, 272,000 से कुछ ज्यादा जो डॉलर डेली दे रहे हैं। अभी डॉलरों से याद आया कि पिछले इन्होंने कहा था कि हम जो है ना ये फॉरेन रिजर्व जो हमारे वो आ जाएंगे 23 अरब डॉलर एक साल में, एक साल गुजर चुका। कल अभी स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई, कल नहीं परसों, कि 10% जो जून 2023 में था उससे 10% नीचे हो गया। तो तुसी की लेके आना, मैं फिर गाली दे दूंगा, बस यहीं पे चलता। चलो इसके टसवे तो आपने इसके देख लिए, बेटा तेरी किस्मत है कि शायद खाकान बासी के लॉन्च करना, उसको पहले बाइज्जत तौर पे बरी कराना, तो नाल तू भी हो गया है, अब तेरा क्या किया जाए। एक और स्पेशल पैकेज बनाया है जी, ये आखिरी देख लें, फिर उसके बाद ये करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त पैकेज बनाया काजी के, काजी के लिए स्ट्राइक ना लग जाए। मेरे दौर में अदलिया की आज़ादी में कोई मदाखलत नहीं हुई, काजी फायजी साहब। That since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. क्या वाकई काजी साहब, आपकी जानिब से तहरीक-ए-इंसाफ से टिकट जमा करवाने के आखिरी दिन रात 11 बजे तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का निशान छीनना मदाखलत न थी? वो भी तब जब इसकी पेशेन गोई नामी गरामी फौजी तर्जुमान कई माह पहले ही कर चुके थे। आपको लगता है कि वो अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे? दुनियावी और कानूनी तौर पर नहीं लड़ सकते। कैसे? वो तो अभी तक बाहर है, तो इतनी जो जाजाबी है वो कल भी होगी, जराइम तो हो गया ना। वोट पड़ेंगे तब जब कैंडिडेट इनके वो कैंपेन करेंगे। इलेक्शन होंगे कैसे और आपके उम्मीदवार मिलेंगे कैसे और वोट हासिल कैसे करेंगे? पीटीआई की क्या पोजीशन होगी? दूरबीन से देखनी पड़ेगी, होगी नहीं। क्या बहरिया टाउन की नजरसानी अपील के गैर मुतल्लिका केस में रॉक पीटर टू पे पॉल की लाइन लिखना मदाखलत न थी? जबकि सबको मालूम है कि इस लाइन से फौजी कब्जा शुदा नैब को जेली अल कादिर केस में फायदा होगा। क्या फैजाबाद केस में 9 मई का गैर मुतल्लिका जिक्र करना अदालती इंजीनियरिंग न थी? 9 मई को जबरदस्ती फैजाबाद धरना में अपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि फैजाबाद धरना की एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन होती तो 9 मई ना होता। फिर उन्होंने एक और भी रिमार्क दिया कि 9 मई लोगों ने हमले भी किए और इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। वो था एक मामला, कोई आपको वो बड़ी होगी वो वायरल।
आपकी अदालत में खड़े बैरिस्टर गौहर के घर इस्लामाबाद पुलिस ने तोड़फोड़ की और उम्मीदवारों की मालूमात कब्जे में ली ताकि इलेक्शन धांधली कर सके। आप इस पर खामोश रहे, ये खामोशी किसके ईमा पर थी? इंटरव्यू उठा रहे, डॉक्यूमेंट्स उठा रहे, चल डाले करे चले गए। अभी मेरे पास खबर आई है, मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है। देखिए ना, आई विल कंटिन्यू। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला दिया तो अपील दायर होने के अगले दिन समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दिया तो एक माह से समाअत मुकर्रर नहीं की जा रही। क्या ये एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी नहीं है? जब फैसला पीटीआई के हक में आया था तो हमें जिन्होंने दायर की थी उन्होंने बताया कि इसका लग गया। हमने कहा जी कॉल नहीं, उन्होंने कहा लग गया, इतनी जल्दी थी। और यहाँ जो है, जो क्योंकि इसमें अब पिशावर हाईकोर्ट की डायरेक्शन आई है कि स्पीकर केपी असेंबली जो है वो जल्दी उनके ओथ ले। अब ये मैटर बड़ा इमरजेंसी का है लेकिन लगाया नहीं जा रहा। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करनी थी तो इलेक्शन से पहले दो दिन के अंदर अंदर नाअहली खत्म कर दी, लेकिन फौजी अदालतों की अपील को गुज़िश्ता 6 माह से लटकाया जा रहा है ताकि एस्टेब्लिशमेंट को बार्गेनिंग चिप मिली रहे। ये किसके ईमा पर किया गया? मादरत के साथ ये फौज को बड़ा अच्छा बेंच दिया गया, ठीक है, इसमें एक दो जजेस के अलावा काम जैसे, ठीक है। तो अब अगर फौजी अदालतों के मामले पर किसी भी तरह का फौज को रिलीफ मिल गया, चाहे एक नुक्ते का रिलीफ मिल गया, तो फिर समझ जाएगा कि क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतरुल्ला इस बेंच का हिस्सा नहीं थे। इमरान रियाज समेत दीगर के अगवा पर इनसेंसिटिव जुमले अदा करके एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी करना किसके ईमा पर था? अंग्रेजी में कहावत है, उर्दू में पता नहीं कैसे कहेंगे, इफ यू कांट स्टैंड द हीट इन द किचन यू शुड नॉट बी इन द किचन। तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर पिटीशन को तरजीही बुनियादों पर खुद सुनना और तहरीक इंसाफ की हर अपील को जेरे इल्तवा रखना क्या इंसाफ के अमल में मदाखलत नहीं है? काजी साहब, कुछ लोगों को कुछ देर के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है लेकिन हर शख्स को हर वक्त बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इसकी ब्रेकिंग न्यूज कल देंगे, एक और इसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज है वो हम आपको कल देंगे। इसको मेरे ख्याल यहीं पे क्लोज करें, आपके फीडबैक का मतलब। हाँ जी, चंदे जा रहे हैं, मिलियन बिलियन डॉलर लग गया पाकिस्तान के खिलाई सफर करने के लिए चांद पे जा रहे हैं। कैप्टन सफदर की भी बात करेंगे। इसको मेरे ख्याल यहीं पे क्लोज करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।